तो कभी क्या सोचा है भाई? कितना भगवान क्या सोचना है उसके बारे में? अभी काम तो करने दीजिए, अभी रिव्यू करेंगे मैं डिपार्टमेंट का, उसके बाद फैसला करेंगे और इसको पब्लिक डोमेन में भी डालेंगे, जो लोगों की सजेशंस आते हैं खासकर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की, उसके बाद ही फैसला लेंगे कि आगे से क्या करना है। ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है इस टाइम, क्योंकि जो मैं देखती हूँ, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इवन सोशल वेलफेयर सेक्टर की बात करें, इस वक्त बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। 10 वर्षों में सिस्टम एक जगह पे नहीं रहा है, ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह हमें यकीन है, उम्मीद है, इम्पॉसिबल नहीं है, कोशिश करेंगे और सिंसियरिटी से काम करेंगे लोगों के लिए। मैम एक साल से इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज हो रही है, मुझे तो अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं बात करती हूँ। पिछले दो सालों से बिकॉज जो भी बच्चे बाहर जाते हैं कभी या तो फेक कॉलेज में पढ़ते हैं या तो अनरेगुलेटेड कोर्स में एडमिशन उनका होता है। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी इशू है, क्योंकि कहीं पे और मेरी नोटिस में आया है, आज मेरी मीटिंग है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, रिव्यू कर रही हूँ मैं, उसमें मैं बात करूँगी, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे एग्जामिन करेंगे, जो भी स्टेप्स उठाने होंगे वो हम उठाएंगे। शुक्रिया। एक मिनट मांगा है मैंने। एक टाइम पे जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे और वो बाहर जाना पड़ा एमएससी की डिग्री लेने के लिए, लेकिन आज अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर यूटी में आपके पास बहुत काबिल जहीन स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, जो इसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कई कुछ एरियाज में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। हमें बाहर निकलना पड़ेगा और फील्ड में जाके अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, जब तक हम ग्राउंड में नहीं जाएंगे तब तक शायद हम कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, जैसे एग्रीकल्चर को भी बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या चीजें हैं जिनसे हम फायदा ले सकते हैं। मैं आप सबको अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहूंगी और इंशाल्लाह मैं यही प्रिंसिपल मैम को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि एक बहुत अच्छी शुरुआत है और आइंदा से कोशिश की जाए कि फील्ड में जाने के लिए, और हमारी सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब, हम लोग कमिटेड हैं, इंशाल्लाह जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारी ज़रूरत जहाँ पे भी होगी, मैं उसके लिए यकीन दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह हम वहाँ पे ज़रूर करने के लिए तैयार हैं, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शुरुआत आप सबको करनी पड़ेगी और जितना हमसे पॉसिबल हो सकेगा हम इंशाल्लाह आप सबकी उसमें मदद करेंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए।